ये जो लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं, ये लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर परमानेंट मैग्नेट पार्ट वन का कॉन्टिन्यूएशन में है। हमने पिछले लेक्चर में जो सीखा था वो क्या था कि परमानेंट मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था, और हमने देखा था कि परमानेंट मैग्नेट में हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो हमने क्या पढ़ा था, बार मैग्नेट, और जो बार मैग्नेट था वो कुछ इस शेप का हमने कंसीडर करा था, ठीक है ना। वो इस शेप का कंसीडर करा, हमने देखा कि बार मैग्नेट में यहां पर एक पोल था नॉर्थ और एक पोल था साउथ, ठीक है ना। और ये जो दोनों पोल्स थे, ठीक है ना, इन्हें हमने नाम दिया था मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है ना। इन्हें क्या नाम दिया था, मैग्नेटिक पोल्स। और इसी तरह से हमने देखा था कि पोल स्ट्रेंथ क्या चीज है। तो हमने देखा कि पोल स्ट्रेंथ क्या चीज थी, तो पोल स्ट्रेंथ है कि कोई भी बार मैग्नेट का कोई मैग्नेटिक पोल किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जिस स्ट्रेंथ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी चीज को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक पोल। और उसकी यूनिट क्या थी, एम्पियर मीटर। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, समझ लिया था। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, और बेसिकली हमारा पिछला लेक्चर पूरी तरह से बार मैग्नेट का एक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन था। अब हम धीरे धीरे बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, उसके कैलकुलेटिव पार्ट, मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ आगे बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमें बेसिकली इस बार मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना, समझना है, ठीक। अब कोई भी चीज को अगर हमें समझना होता है तो हमारे पास उसके लिए कोई एक बेस होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम शुरुआत कर सके उसकी प्रॉपर्टी समझने की। तो ये जो बेस है इस बार मैग्नेट के केस में, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल। ये किसी भी बार मैग्नेट को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन इसी टॉपिक पर होगा, जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक पोल के बारे में पढ़ना। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। हमने जो अभी तक सीखा है उसमें एक हमने प्रॉपर्टी देखी थी बार मैग्नेट की, कि अगर हम बार मैग्नेट को बीच से कट कर दें, ठीक है ना, तो अगर हमें दो बार मैग्नेट मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि वो दो बार मैग्नेट में सिंगल सिंगल यानी अलग अलग मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट करेंगे। याद है हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में, कि जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते, वो जब भी एग्जिस्ट करते हैं कैसे, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अब आज हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानने जा रहे हैं। याद रखें कि हम जो अभी डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो बेसिकली क्या है, हाइपोथेटिकल है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पर हम फिर जो रियल में चीजें एग्जिस्ट करती हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैग्नेटिक पोल। तो हमने मान लिया एक हाइपोथेटिकल चीज कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल, और हमने इस बार मैग्नेट को इस तरह से कट किया, और हमने मान लिया कि कट करने पर हमें दो पोल्स मिल गए। कट करने पर क्या हुआ, हमें दो पोल्स मिल गए। एक पोल को हमने कहा नॉर्थ पोल और एक पोल को हमने क्या कह दिया, साउथ पोल। एक क्या आ गया हमारा नॉर्थ पोल और एक क्या हो गया साउथ पोल। मैं फिर से कह दूं कि ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्योरली हाइपोथेटिकल है, यानी कि देखिए कट करने पर ये दो अलग अलग पोल्स नहीं मिलेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से मिलेंगे। लेकिन हमने मान लिया है कि ये नॉर्थ है अकेला और ये पूरा का पूरा क्या है, साउथ। तो बेसिकली हम एक पोल की प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर लें, समझ लें कि किसी एक पोल की क्या प्रॉपर्टी होती है, और जब हम एक पोल की प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो हम दोनों पोल्स की एक साथ मिलकर क्या प्रॉपर्टी होगी उसे आसानी से समझ सकते हैं। और अगर हम दो पोल्स की एक साथ प्रॉपर्टी समझ लेंगे तो हम पूरे बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने कोई एक पोल ले लिया, ठीक। अब हमने ये एक पोल लिया, अब ये कोई भी पोल हो सकता है, चाहे नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, ठीक है ना। तो हमने इसे बोल दिया कि ये चाहे नॉर्थ पोल हो सकता है
या फिर क्या हो सकता है हमारा साउथ पोल। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो देखें, एक चीज आपको बता दें कि हम अब जो भी डिस्कशन यहां पर फर्दर करेंगे, ये डिस्कशन आपको अपने इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक का इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा फील होगा, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वहीं से लिया गया है कि जो मैग्नेटिक पोल है, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ, डजंट मैटर, ये कुछ भी हो सकता है, इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। इसे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। और जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया है, उसी तरह से हम किसी मैग्नेटिक पोल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। ठीक, अब जब ये कंपैरिजन हम किसी पोल का, इसे नाम भी दे देते हैं, ये क्या चीज है? मैग्नेटिक पोल। अब जब हम इस मैग्नेटिक पोल को कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ, तो कहीं आप ऐसा भी देखने को मिल सकता है आपको कि इसी मैग्नेटिक पोल को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक चार्ज। इसे हम दूसरा क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक चार्ज। तो हम सीख रहे हैं मैग्नेटिक पोल के बारे में, यानी एक सिंगल मैग्नेटिक पोल की प्रॉपर्टी। और याद रखें कि मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम हाइपोथेटिकली फिलहाल उन्हें एक सिंगल की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और हम उसे कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। तो जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी डिफाइन करी, ऐसे ही हम मैग्नेटिक पोल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से कंपेयर कर रहे हैं, तो कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि इसे हमने क्या नाम दे दिया? मैग्नेटिक चार्ज। इतना क्लियर है? ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स का होता है भाई? अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्या क्या होता है? पॉजिटिव, और क्या होता है? नेगेटिव। तो जैसा हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज से ही कंपेयर करेंगे, तो ऐसे ही मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक चार्ज अगर आप देखें तो कितने टाइप्स का है? दो टाइप्स का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसे ही हम इसे भी कह सकते हैं कि ये कितने टाइप्स का हो गया हमारा, ये कितने टाइप्स का हो गया? दो टाइप्स। कौन कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर है? याद करें, अगर मान लें हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, हमारे पास क्या है? कोई पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास क्या है? कोई नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो याद करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर के टर्मिनेट कर जाता है। ये पूरी की पूरी हम कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से, ऐसा ही कुछ था। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो जो कल हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, क्या? कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आकर के टर्मिनेट करती हैं। तो कुछ इसी तरह का कंपैरिजन हम यहां भी कर सकते हैं कि मान लें हमारे पास एक नॉर्थ पोल हो गया, यहां पर बना देते हैं, मान लें हमारे पास एक क्या हो गया? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से दूर जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? नॉर्थ पोल से दूर जाएंगी। और अगर हमारे पास ऐसे ही क्या हो जाए? एक साउथ पोल हो जाए, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल पर आकर के टर्मिनेट कर जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल पर आकर क्या कर जाएंगी? टर्मिनेट कर जाएंगी। ये पिक्टोरियली हमने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कभी मैग्नेटिक पोल को हम मैग्नेटिक चार्ज ही नाम देते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो इसी तरह से नॉर्थ पोल को जब हम कंपेरिजन करें प्रॉपर्टी के बेसिस में, तो कभी कभी इसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। पॉजिटिव क्यों बोला? शायद आपको यहां से अब बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही साउथ पोल को हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। साउथ पोल को हम क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो बेसिकली हमने अपना एक समझने के लिए, बार मैग्नेट को समझने के लिए,
अपना मैग्नेटिक पोल का एक मॉडल मान लिया। मैं फिर से कह दूं कि यह हाइपोथेटिकल मॉडल है, हमने मान लिया ऐसा क्या कि एक बार मैग्नेट कंसीडर किया जाए। इस बार मैग्नेट को हमने कुछ इस तरह से ब्रेक किया कि हमें दो अलग अलग पोल्स मिल गए, और फिर उन दोनों पोल्स को अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक चार्ज से, तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स या दो मैग्नेटिक चार्ज, जिसमें से एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ पोल को हमने मान लिया पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, साउथ पोल को हमने मान लिया नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। क्लियर है इतना? तो चलिए, अभी हमने केवल पोल के बारे में पढ़ा कि भाई पोल्स क्या हो सकते हैं और इन्हें हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक, अब इन पोल्स के बीच में क्या फोर्स है, या ये पोल्स एक दूसरे पोल पर के किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, अब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हेडिंग डालते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। क्या देखने वाले हैं हम, क्या पढ़ने वाले हैं हम कि मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू या बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पोल्स हैं कुछ इस तरह से, ये एक पोल, ठीक है, और ऐसे ही हमने मान लिया ये एक दूसरा पोल। ठीक है, अब पोल को हम चूंकि M से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो हम मान लेते हैं कि ये पोल है M1 और ये पोल है M2। हमने यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये M1 नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, या M2 नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। अगर इसी को हम मैग्नेटिक चार्ज के बेसिस पे बात करें, तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये M1 पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है या नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, या M2 पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है या फिर नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, हमने केवल इन्हें मान लिया कि ये कोई भी दो पोल्स है, और इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितनी है, आर। ठीक, तो ये जो दो पोल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस फोर्स को डिफाइन किया गया है कैसे, एफ फोर्स। और चूंकि ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, इसीलिए हम यहां पर लिखते हैं इसे बी। बी रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिज्म के लिए, स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो हमने क्या कहा, एफ बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या कहा हमने, FB यानी मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू पोल्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा समझते हैं कि ये इस गिवन एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म क्या चीज है। तो FB क्या है हमारा, तो FB है हमारा मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। M1 M2 क्या चीज है, तो M1 एंड M2 ये क्या है, तो हम कहेंगे कि M1 M2, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, चाहे तो आप इसे ऐसे भी कह लें कि M1 M2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। आर क्या चीज है, तो आर डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। और यहां पे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है वो क्या चीज है, वो है म्यू नॉट, ठीक है ना। तो समझते हैं म्यू नॉट क्या चीज है। म्यू नॉट इसे हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना।
इसकी जो वैल्यू होती है म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं 4π × 10⁻⁷। क्या बोलते हैं इसे, 4π × 10⁻⁷, ठीक है। और जो इसकी यूनिट लिखते हैं तो वो लिखते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या लिखते हैं इसे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और चूंकि फिजिकल क्वांटिटी है इसकी कुछ अपनी यूनिट है, और आपको भी बात समझ में आ रही होगी कि कौन सी यूनिट लिखी गई है, ऐसा यूनिट। तो अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो जो म्यू नॉट का डायमेंशन होता है, ठीक है ना, तो उसे हम लिखते हैं m1 l1 t-2 a-2। क्या लिखते हैं, म्यू नॉट का डायमेंशन m1 l1 t-2 और a-2। याद रखें कि परमियाबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट लाइक परमिटिविटी, जो कि आपने एप्सिलॉन नॉट देखा होगा, पढ़ा होगा, जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में देखा पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही फ्री स्पेस की भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी। तो अब आप समझे, अगर इस एक्सप्रेशन में, अगर हम इस एक्सप्रेशन में बात करें, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू रखें, तो देखें म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4π × 10⁻⁷। तो अगर हम यहाँ 4π × 10⁻⁷ रखें, तो 4π 4π एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी अगर हम सिंपल सी बात करें तो म्यू नॉट बाई 4π, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद रखें, तो म्यू नॉट बाई 4π कितना हो जाएगा हमारा, 10⁻⁷। तो हम जब भी इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन में म्यू नॉट बाई 4π की जगह हमेशा हम क्या रख देंगे, 10⁻⁷। क्लियर है। अब आप इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखें तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा, लाइक मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट बाई 4π m1 m2 r2। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद करें दो चार्जेस के बीच क्या लगता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू 1/4π ε0 q1 q2 r2। क्या होता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4π ε0 q1 q2 r2। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल ही एक दूसरे से सिमिलर दिख रहे हैं। देखें बस डिफरेंस किस चीज का है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है म्यू नॉट बाई 4π, और यहाँ पे जो टर्म है 1/4π ε0। म्यू नॉट क्या कहलाता है हमारा, परमियाबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये हमने जो देखा ये क्या चीज था, कि अगर मान लें हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स, हाइपोथेटिकल अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स कहीं से आ जाएं, उनका पोल स्ट्रेंथ m1 m2 हो, दोनों के बीच के डिस्टेंस r हो, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना है, F equals mu naught by 4π, mu naught by 4π m1 m2 by r square, ठीक है। इस पर एक बस अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए हमें। जैसे देखें, हम इन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसके पीछे एक बिल्कुल ही सिंपल सा रीजन है कि जो भी इनके न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल ही आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड न्यूमेरिकल की तरह है। जो भी न्यूमेरिकल्स आपने पीछे इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा होगा, वही न्यूमेरिकल एग्जैक्टली आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस किस बात का आएगा, कि वहां पर आप पीछे इलेक्ट्रिक चार्ज पर न्यूमेरिकल कर रहे थे, यहां पर आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो किस पर होगा, मैग्नेटिक चार्ज पर बेस्ड होगा, ठीक है। फिर भी एक समझने के लिए सिंपल सा हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक मैग्नेटिक चार्ज ये है m1, ठीक है ना, और एक दूसरा मैग्नेटिक चार्ज है m2, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से मान लेते हैं 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। हमसे कहा गया कि m1 कितना है, तो मान लेते हैं हमसे कहा गया कि m1 है आपका 1 एम्पियर मीटर, और जो m2 की वैल्यू है
वो है 2 एम्पियर मीटर। एम टू की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू मैग्नेटिक पोल्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू मैग्नेटिक पोल्स। तो सिंपल आप फॉर्मूला अपना यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स एफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब जो भी वैल्यूज पता है आप यहां पर रख दें। तो देखें, अभी हमने देखा था म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू टोटल कितनी आई थी, 10 to the power -7 M1 M2। ठीक है, तो M1 की वैल्यू कितनी है 1 into M2 की वैल्यू है कितनी 2 upon r square। 2 मीटर है तो इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी ये कितना आ जाएगा आपका देखें 0.5 into 10 to the power -7 न्यूटन। क्लियर है, 0.5 into 10 to the power -7 न्यूटन। ठीक, अब देखिए ये न्यूमेरिकल कराने के पीछे एक थोड़ा सा पर्पस था, सिंपल सी बात। हमने ये तो पता कर लिया कि कितना मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों पोल्स के बीच में एग्जर्ट हो रहा है, ये पता कर लिया हमने। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो बाय नेचर होगा इन दोनों के बीच में M1 और M2 के बीच में, वो या तो रिपल्सिव होगा या फिर अट्रैक्टिव होगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला हमने देखा सीखा है अभी तक, इसमें ऐसा कहीं भी हमने अभी तक कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं किया है कि ये जो फोर्स लगेगा वो उसका नेचर अट्रैक्टिव है या उसका नेचर रिपल्सिव है। ठीक है, हमने अभी तक जो भी बात करी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करी है, मैग्नीट्यूड के लिए। ये जो भी आंसर आया हमारा ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स है उसका नेचर क्या है। तो देखें, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स का नेचर है वो 2 टाइप का होगा, या तो अट्रैक्टिव या तो ये नेचर कैसा होगा अट्रैक्टिव, यानी कि 2 मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे को क्या करें अट्रैक्ट करें, या ये नेचर कैसा होगा रिपल्सिव, या ये नेचर कैसा होगा रिपल्सिव। अब अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि भाई इस क्वेश्चन में इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो फोर्स लगा वो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, तो हम अभी तक इसका कोई आंसर नहीं दे सकते। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है। तो अब ये सोचा गया कि भाई कैसे पता किया जाए कि ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव। तो फिर से ये चीज भी बताने के लिए हमने अपना वही इलेक्ट्रोस्टैट्स का पुराना मॉडल यूज किया। क्या यूज किया याद करें, आपने क्या सीखा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि 2 सेम पोलैरिटी के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, और 2 डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। याद है, फिर से मैं बोलता हूं कि 2 डिफरेंट पोलैरिटी चार्जेस ठीक है ना अट्रैक्ट ईच अदर, एंड 2 सेम पोलैरिटी चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अब हम यहां पे भी लगाएंगे कि नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये अट्रैक्टिव होगा व्हेन पोल्स हैव डिफरेंट पोलैरिटी, व्हेन पोल्स हैव डिफरेंट पोलैरिटी तो ये क्या होगा अट्रैक्टिव, और रिपल्सिव कब होगा व्हेन पोल्स हैव सेम पोलैरिटी, व्हेन पोल्स हैव सेम पोलैरिटी। क्लियर है, तो देखें अगर 2 पोल्स हैं और दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट, मतलब या एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, व्हेन पोल्स हैव सेम पोलैरिटी तो रिपल्सिव, यानी कि 2 नॉर्थ नॉर्थ पोल या 2 साउथ साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। क्लियर है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करें। तो अब अगर आपसे डिटेल में ये कहा जाता कि जो M1 है ठीक है ना ये नॉर्थ पोल है और जो M2 है वो साउथ पोल है,
M1 क्या हमने मान लिया? नॉर्थ पोल, और N2 को हमने क्या मान लिया? साउथ पोल मान लिया। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0.5 × 10⁻⁷ न्यूटन। और अगर फोर्स के डायरेक्शन की बात की जाए तो M1 और M2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? ध्यान से देखें, क्योंकि अट्रैक्टिव कब है? व्हेन पोल्स हैव डिफरेंट पोलैरिटी। तो देखें, डिफरेंट पोलैरिटी तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि पोल M1 M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, और पोल M2 M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। ठीक है ना? देखें, दोनों की पोलैरिटी सेम पोलैरिटी। तो M1 ने M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और M2 ने M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ऐसे ही अगर मान ले यही सिचुएशन हम यहां पे दोबारा से ड्रॉ करें, हमने मान लिया कि ये M1 पोल और ये दूसरा पोल है M2, ठीक है ना? सारी सिचुएशन हम सेम मानते हैं, बस हमने ये कहा कि ये साउथ पोल और ये भी क्या है? साउथ पोल। तो अब अगर इनके बीच फोर्स की बात करें, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात अगर हम करें तो देखें, दोनों की पोलैरिटी क्या है? सेम। तो जब दोनों की पोलैरिटी सेम हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक, तो रिपेल कैसे करेंगे? तो देखिए, M1 M2 को रिपेल करेगा, यानी अपने से दूर भेजने की कोशिश, यानी इस तरह से फोर्स लगा, और M2 ने M1 को भी रिपेल करने की कोशिश करी, अपने से दूर भेजने की कोशिश करा, यानी कि इसका भी जो फोर्स लगा वो इस तरह से लगा। तो ध्यान से देखें, यहां पर जो फोर्स लगा मैग्नेटिक, ये अट्रैक्टिव, और यहां पर जो फोर्स लगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, ये कैसा हो गया? रिपल्सिव हो गया। क्लियर है? ये कैसा हो गया? रिपल्सिव हो गया, ठीक है ना। अब कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, समझने वाली बात, कॉन्सेप्चुअल बात, कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, ठीक है ना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, मतलब कि क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर है कि नहीं है। कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस लगे हैं, ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर हैं कि नहीं है। तो याद करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर वही हो सकते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करें। क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करें? कि दोनों का, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट हो वो डिफरेंट हो। यानी कि दो फोर्स है, एक एक्शन का फोर्स, एक रिएक्शन का फोर्स। अगर ऐसा होना है तो जो दो, जिन दो फोर्सेस की हम बात करें, वो दोनों फोर्सेस दो ऑब्जेक्ट पर लगने चाहिए। तो ध्यान से देखें, क्या यहां पे दोनों फोर्सेस दो ऑब्जेक्ट पर अलग अलग लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल लग रहे हैं। इस पर अलग फोर्स लग रहा है, इस पर अलग फोर्स लग रहा है, इस पर अलग फोर्स, इस पर अलग फोर्स लग रहा है, एक प्रॉपर्टी होल्ड करी। दूसरी प्रॉपर्टी, क्या दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है क्या? तो ध्यान से देखें, M2 ने M1 पे जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट। M1 ने M2 पर जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे यहां पर देखें, M1 ने M2 पर जो फोर्स लगाया वो टुवर्ड्स राइट, और M2 ने M1 पे जो फोर्स लगाया वो टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और क्या दोनों का नेचर सेम है क्या? थर्ड प्रॉपर्टी, दोनों का नेचर सेम है क्या? तो हाँ, बिल्कुल। देखें, M1 ने M2 पर जो फोर्स लगाया वो कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। M2 ने M1 पर जो फोर्स लगाया वो भी कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। M1 ने M2 पर जो फोर्स लगाया मैग्नेटिक फोर्स, और M2 ने M1 पर जो फोर्स लगाया वो भी कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। यानी कि हम कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी की तरह से इस बात को याद रखें कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। इस चीज को आप लिखना चाहें तो लिख लें, इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर बिकॉज इट फॉलोज ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स पेयर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो अभी हमने डिस्कस करी, कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगने चाहिए, उनका डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए, और उनका नेचर एंड मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां पे होल्ड कर रही हैं। क्लियर है?
अब हम इस पर फर्दर कोई न्यूमेरिकल का डिस्कशन नहीं करेंगे। रीजन कि अब इस पर जो भी न्यूमेरिकल्स आप चाहें प्रैक्टिस करना, तो आप एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल्स यूज कर सकते हैं जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच फोर्स पर डिस्कस किए सारे न्यूमेरिकल्स। बस डिफरेंस यही आएगा कि जहां पर आप मैग्नेटिक चार्ज की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहे हैं, वो सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी थी, ठीक है ना, उन न्यूमेरिकल्स में आप सिंपल मैग्नेटिक चार्ज को पुट कर देंगे और सेम न्यूमेरिकल्स आप यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने मैग्नेटिक पोल्स की एक चीज तो सीख ली अभी, क्या कि दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो फोर्स है वो कैसे एक्ट करता है। क्लियर है? अब और कुछ आगे बात समझते हैं, देखते हैं क्या है। डालने हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक चार्ज। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल और अ मैग्नेटिक चार्ज। समझते हैं क्या है? देख क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल। अब हम ये बात करते हैं, ठीक है ना। एंड मैं फिर से कह दूं कि ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, आप अपने दिमाग में एक पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को रन करते रहें, और अगर आप ऐसा कर पाएं तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली वैसा ही लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपका मैग्नेटिक पोल का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। समझते हैं क्या है? हमने मान लिया कि ये कोई एक मैग्नेटिक पोल है, ये कोई एक मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, क्या है, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक पोल, और इस मैग्नेटिक पोल से कुछ आर दूरी पर, इस मैग्नेटिक पोल से कुछ आर दूरी पर एक पॉइंट है पी। इस मैग्नेटिक पोल से कुछ आर दूरी पर क्या है? एक पॉइंट पी है। अब आपसे कहा गया है कि इस मैग्नेटिक पोल के कारण इस पॉइंट पी पर, ठीक है ना, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक पोल पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं तो आप समझ लें कि मैग्नेटिक चार्ज की बात कर रहा है। अब ये जो मैंने डेफिनेशन बोली, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है समझें। जैसे मान लें कि हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, अब टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट इस डेफिनेशन के बाद डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझ लें कि एक चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज या मैग्नेटिक पोल, जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम। ठीक, मान लिया हमने कि हमने कहा कि एक मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक चार्ज जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल एम। तो डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान से सुने, कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज या टेस्ट मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना, ड्यू टू द गिवन मैग्नेटिक पोल केप्ट एट डिस्टेंस आर पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड बी, बी इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है बी, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन स्मॉल एम, तो इसे और एग्जैक्ट लिख लें, एफ बी मैग्नेटिक फोर्स। B is equal to FB upon M. मतलब क्या हुआ? FB क्या चीज है? तो FB है इस टेस्ट मैग्नेटिक पोल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस
मैग्नेटिक पोल एफबी, और क्या कहा गया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो पर यूनिट का मतलब डिवाइड कर दिया एम से, ये आ गया। अब अगर आपसे यहां पूछा जाए कि बताइए एफबी की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, एफबी की वैल्यू, तो आप कह सकते हैं आसानी से, क्योंकि अभी आपने सीखा कि एफबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने यहां पर ऐसे पुट कर दी, यहां पे देखें एफ बी की वैल्यू वहां ले जाकर, तो हमें क्या मिलेगा बी इज इक्वल टू, अब एफ बी की जगह ये वैल्यू रखते हैं हम, म्यू नॉट बाई फोर पाई एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम। क्लियर है, देखें हमने ये वैल्यूज यहां रखी, ये एक्सप्रेशन मिला, ये स्मॉल एम से ये स्मॉल एम कैंसिल हो गया और हमें क्या एक्सप्रेशन मिला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर। क्या एक्सप्रेशन मिल गया कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, जहां पर b क्या चीज है, ध्यान से देखें b क्या चीज है, तो b है इस मैग्नेटिक पोल या मैग्नेटिक चार्ज कैपिटल m के कारण r दूरी पर किसी पॉइंट p पर लगने वाला p पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। म्यू नॉट जैसा अभी हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था परमेबिलिटी है, एम क्या है, तो एम उस मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ है जिसके कारण हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और आर क्या है वो पॉइंट की दूरी। क्लियर, अब ये जो बी हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी क्या चीज हमने कहा था, यहां पे लिखा भी है मैग्नेटिक फील्ड, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, तो जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, तो याद रख लें ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसकी यूनिट है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या क्या यूनिट है इसकी, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड मैं फिर से कह दूं ये जो यूनिट हमने यहां पर लिखा है ये कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, ठीक। तो अब जैसा हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब फिर से अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि अगर ये एक मैग्नेटिक पोल M है और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि कितना है, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमें इस पॉइंट P पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा, फॉर्मूला में क्या देगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा, लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो जाहिर सी बात है हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगा कि भाई इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। अब जरा डायरेक्शन की बात करते हैं, अब डायरेक्शन की बात करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए होगा कि ये जो मैग्नेटिक पोल हमने कंसिडर किया है, ठीक है, इस मैग्नेटिक पोल का पोलैरिटी क्या है, इस मैग्नेटिक पोल का नेचर क्या है, पोलैरिटी या नेचर कहने का मतलब कि ये जो मैग्नेटिक पोल हमने कंसिडर किया है ये नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है, या अगर हम चार्ज के टर्म्स में बात करें तो कभी कभी जैसा कहा जाता है कि हम ये कहें कि ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है या फिर ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, इसके बारे में देखें, तो अगर ये नॉर्थ पोल होगा, अब आप पीछे ऑलरेडी सीख चुके हैं तो अब उसके बेसिस पे आप यहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आसानी से बता सकते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो याद करें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, दूर जाती थी, और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसके पास आती हैं। तो आप खुद से सोचें कि अगर हम ये कहें कि ये जो मैग्नेटिक पोल है, ठीक है ना, हमने मान लिया कि ये कैसा है नॉर्थ पोल, यहां पर बना देते हैं इसे, हमने मान लिया कि ये जो मैग्नेटिक पोल है ये कैसा है नॉर्थ पोल है, ठीक है ना,
तो आप सोचे कि अगर ये मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल है, मान लिया ये नॉर्थ पोल, और यहां से किसी आर दूरी पर पॉइंट पी पर, ये आर दूरी और ये पॉइंट पी, तो यहां से आर दूरी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछे तो यहां से बता सकते हैं, और डायरेक्शन पूछे तो क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द पोल। तो देखें, अवे फ्रॉम द पोल अगर हमने कहा तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, ये हमने पता कर लिया। ऐसे ही मान लेते हैं कि ये जो हमारा गिवन मैग्नेटिक पोल है वो क्या रहता, साउथ पोल रहता। तो अगर यही मैग्नेटिक पोल हमारा साउथ पोल रहता तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती, ये हो गया साउथ, ये है पॉइंट पी, और जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर होता उसकी डायरेक्शन ये, यानी कि टुवर्ड्स द पोल। तो देखें हमने क्या सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल को हम डिफाइन क्या करते हैं, ध्यान से देखें कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज स्मॉल m पर यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, b इज इक्वल टू एफ बाय m, और फिर हमने कैलकुलेशन करके अपना मैग्नेटिक फील्ड का ये टर्म बनाया। और जो मैग्नेटिक फील्ड का हमने ये टर्म बनाया है ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड, ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, क्योंकि डायरेक्शन इसलिए बात करनी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, डिपेंड करेगा कि जो हमारा गिवन मैग्नेटिक पोल है, गिवन मैग्नेटिक पोल वो नॉर्थ है या साउथ। तो अगर नॉर्थ पोल होगा तो पॉइंट पी पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन, और अगर साउथ पोल होगा तो पॉइंट पी पर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, क्लियर। अब इसमें हमने एक छोटी सी बात अभी डिस्कस करी एन के बारे में, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं या टेस्ट मैग्नेटिक पोल है, ठीक है ना, ये जो भी हमने यहां पर डिस्कशन करा, इन सारे डिस्कशन में एक चीज हम एज्यूम करके चलेंगे शुरू से ही, क्या एज्यूम करेंगे कि द मैग्नीट्यूड या द पोल स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। आप इस चीज को लिख लें, ये जो भी जहां भी आपने जैसे भी लिखा है वहां पे आप नोट के टर्म्स में लिख लें, लिख लें नोट कि द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द टेस्ट चार्ज इज एज्यूम्ड वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट चार्ज या टेस्ट मैग्नेटिक पोल इज एज्यूम्ड वेरी वेरी स्मॉल। अब ये जो हमने लिखवाया, ये क्यों लिखवाया, इसको जरा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, ठीक है ना। देखें क्या है, कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। आप सोचें कि अगर मान लो हमें इस मैग्नेटिक पोल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमने ये मेथड यूज करके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। लेकिन आप सोचें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक पोल डिफाइन करने के लिए ये एक टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर लेकर आए, मान लें सपोज पॉइंट पी के बिल्कुल पास में हमने ये टेस्ट चार्ज लेकर आए। तो आप सोचें कि अगर ये टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, एक मैग्नेटिक पोल लेकर आ रहे हैं, तो इस मैग्नेटिक पोल का तो खुद का भी कोई ना कोई अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बात समझ में। तो सोचें कि अगर इसका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या वो इसके मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट पी पर चेंज करेगा या नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा। क्यों डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इस मैग्नेटिक पोल की वजह से यहां पर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी यहां पर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। और चूंकि हमने अभी सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो जो इस पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, दोनों पोल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम आएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि यहां पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो हमें वहां पर वेक्टर सम नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए हम मानते हैं कि अगर ये टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल है, तो अगर ये टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल है तो खुद का इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट पी पर अप्रोक्सीमेटली जीरो हम मान सकते हैं।
और अगर हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पी पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस कैपिटल एम मैग्नेटिक पोल के कारण है। क्लियर हुआ कि ये टेस्ट चार्ज क्या है और इसका मैग्नेट्यूड स्मॉल क्यों होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब हमने ये किसी एक मैग्नेटिक पोल के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक पोल, ठीक है ना, और मान लिया हमने कहा इसे एक नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, जिसकी पोल स्ट्रेंथ हमने कहा 2 एम्पियर मीटर, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि यहां से, ठीक है ना, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, यहां से 1 मीटर की दूरी पर ये एक पॉइंट है, ठीक। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि यहां पर एक साउथ पोल ले लिया गया, यहां पर एक साउथ पोल ले लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, साउथ पोल। इस साउथ पोल का भी मैग्नीट्यूड हमने मान लिया कि 3 एम्पियर मीटर है, ठीक है ना, और ये दूरी भी हमने एज्यूम कर ली कितनी, 1 मीटर। कितनी एज्यूम कर ली, 1 मीटर, ठीक है ना। या हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हमारा न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पी पर बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन क्या है, इस पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो चलिए जरा समझते हैं। पहली चीज कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इस मैग्नेटिक पोल 1 के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें और इस मैग्नेटिक पोल 2 के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम क्या होगा, इस पॉइंट पी पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो चलिए देखें, ये कैसा पोल है, नॉर्थ पोल। तो अब सोचिए नॉर्थ पोल है तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होंगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था किधर की तरफ होंगी, तो हमने इसे कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। देखें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 और ये इधर की तरफ होंगी। क्यों इधर की तरफ होंगी, आपको भी बात में समझ आ रही होगी कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टूट जाती है, क्लियर। ऐसे ही ये साउथ पोल है तो साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, तो याद करें साउथ पोल पर आके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनका डायरेक्शन ये होगा इस तरह से। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, बी। तो ध्यान से देखें, अगर हमें B1 की वैल्यू मिल जाए, अगर हमें B2 की वैल्यू मिल जाए और ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसा है, 90 डिग्री। तो अगर हमें B1 B2 की वैल्यूज मिल जाए तो यहां पर इस पॉइंट P पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इसी चीज को अगर मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बनाए अलग से तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ये पॉइंट पी अगर हमने इमेजिन किया, पॉइंट पी यहां पर क्या आ गया, B1 और यहां पर क्या आ गया, B2, ठीक है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो सोचें जो यहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मान लें हमने उसे कहा B, तो आप खुद से सोचें B की वैल्यू कितनी आएगी। तो B = √ B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, क्लियर। अब सोचिए B1 B2 की वैल्यू अलग अलग कितनी आएगी, तो B1 = हम क्या लिख सकते हैं, μ0/4π और m/r². तो m की वैल्यू कितनी है, 4/r² अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, 4 into, ठीक है ना, μ0/4π, क्लियर है।
ऐसे अगर आप समझें बात को, तो बी टू को हम डायरेक्ट लिख दें तो बी टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 μ0/4π। आप चाहें तो μ0/4π की वैल्यूज रख भी सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे ही सॉल्व कर लें, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब बताएं b इज इक्वल टू b1² + b2² तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा अंडर रूट b1² + b2². क्लियर हो रहा है? तो देखें इसको ऐसे लिखें, 4μ0/4π² + 3μ0/4π² क्लियर है? आप अगर यहां से ध्यान से देखें तो μ0/4π² कॉमन आएगा, ध्यान से देख लें μ0/4π² क्या आएगा, कॉमन। और उस कॉमन को भी अगर हम बाहर करें तो हमें बाहर क्या मिल जाएगा, μ0/4π। एक स्टेप हमने मिस किया है, आप थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेशन अगर सीख सकते हैं तो देख लेंगे कि μ0/4π बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 4² + 3² देखें क्या बचा, 4² + 3² तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आप समझें तो 4² + 3² √25 और √25 करें तो कितना आएगा, 5, यानी क्या आ जाएगा, √5। अब μ0/4π की वैल्यू अगर हम रखें तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁷। कितना आएगा, 5 × 10⁻⁷। और यूनिट हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कितनी होगी, यहाँ पर टेस्ला। बोले क्लियर है क्या जी? अच्छा, कभी कभी आपसे डायरेक्शन भी पूछ लेंगे। अब डायरेक्शन अगर आपको बताना हो तो मान लीजिए आपने कहा कि ये थीटा है, डायरेक्शन की बात कर ली, तो ये क्या आपने कह दिया, ये क्या है आपका, थीटा। तो देखें वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज करें, तो tan थीटा इज इक्वल टू b2/b1। tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, b2/b1। तो अगर हम डायरेक्शन की भी बात कर लें तो यहां पे लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू b2/b1। वेक्टर का कॉन्सेप्ट, तो b2 ये रहा, b1 ये रहा। तो अगर आप देखें b2/b1 करें तो μ0/4π कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा tan थीटा बराबर, ये आएगा tan थीटा बराबर 3/4। कितना आ गया tan थीटा बराबर 3/4। और अगर tan थीटा बराबर 3/4 आ रहा है, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री से हमें क्या पता चल गया कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री नीचे की तरफ है। क्लियर है क्या? तो ये मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि कहीं भी 2 या 3 या चाहे जितने भी मैग्नेटिक पोल्स हमें दे दिए जाएं, इन मैग्नेटिक पोल्स के कारण किसी भी गिवन पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब इसमें एक चीज है जो हम स्किप कर रहे हैं यहां पर, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना, ये हमने स्किप इसलिए किया क्योंकि आपने अगर पीछे मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म चार्ज के कारण, करंट कैरिंग वायर के कारण, सोलेनोइड के कारण, तो इन सब के कारण अगर आपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो वहां पर ऑलरेडी आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया होगा। ठीक है ना, तो उस चीज को हम यहाँ पर स्किप करते हैं और एक बार फिर से आज का लेक्चर अगर हम ये समराइज करें तो हम देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा है इस लेक्चर में, कि मैग्नेटिक पोल को हमने हाइपोथेटिकल एक प्रॉपर्टी मानी, मान लिया कि हाइपोथेटिकल है और वो एक सिंगल है। याद रखें कि एक्चुअल में मैग्नेटिक पोल सिंगल नहीं होता है, वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आज हमने जो भी डिस्कशन किया इस लेक्चर में वो उसको मान के कि वो सिंगल है, उसके कारण हमने फोर्स और उसके कारण हमने फील्ड का कैलकुलेशन सीख लिया। और ये जो आज हमने फोर्स और फील्ड का कैलकुलेशन सीखा है, बेसिकली यही कैलकुलेशन अब हमें एक बेस की तरह वर्क करेगा अपने बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लें क्योंकि जो अब नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम प्योरली बार मैग्नेट के अब बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, थैंक यू।